नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ लें। इसमें जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होती है, जो वायुमंडल नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल नाइट्रोजन होती है ये कन्वर्ट होती है अमोनिया में। जो वायुमंडल नाइट्रोजन अमोनिया का कन्वर्ट होती है, अमोनिया आगे जाकर NO2- जिसे कहते हैं नाइट्रेट, और ये आगे जाकर NO3- बनाता है जिसे कहते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट जो वायुमंडल N2 से जो अमोनिया बनने की प्रोसेस होती है ये कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और कैसा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो क्या रखना है, बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। पर अब जो NO3- है ये अवशोषण कर देगा पादप, NO3- को कौन अवशोषण कर देगा, इसे पादप अवशोषण कर लेंगे। अब पादप से कुछ जंतु में चले गए, पादप और जंतु में चले गए, अब पादप और जंतु में ना बोल गए तो इसका ये मृत काल्पनिक पदार्थ बनेगा, मृत काल्पनिक पदार्थ बनेगा। ये मृत काल्पनिक पदार्थ बन गया, और मृत काल्पनिक पदार्थ वापिस कौन से प्रोसेस द्वारा, अमोनीकरण द्वारा अमोनिया बनाएगा। तो क्या कहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा जब अमोनिया से जो नाइट्रेट से नाइट्रेट बनता है इसे कहते हैं नाइट्रीकरण, इसे कहते हैं नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण, अब कुछ जो NO3- है कुछ मात्रा में NO3- वापस N2 बनेगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं प्री-नाइट्रीकरण, इसे कहते हैं प्री-नाइट्रीकरण। इस प्रोसेस को प्री-नाइट्रीकरण कहते हैं। तो अब एक बार वापस देख लो कि वायुमंडल N2 नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमोनिया से N2 बना दिए है, तो इसे कहते हैं नाइट्रेट बनाना। इसमें जो जीवाणु होश करते हैं वो होता है नाइट्रोसोमोनास, इसमें नाइट्रोसोमोनास होता है एंड नाइट्रोकोकस होता है। नाइट्रोसोमोनास से नाइट्रोकोकस अब नाइट्रेट से नाइट्रेट बनाता है, इसमें नाइट्रो बैक्टर एंड नाइट्रोसिस्ट होता है, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिक होता है, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिक होता है। ध्यान रखना, अब अवशोषण हो गया पादों, पादों से जंतु और इससे मृत कार्बन से अमोनिया, तो अमोनीकरण में भी कुछ जीवाणु अलग करते हैं, अमोनीकरण में भी कुछ जीवाणु अलग करे जो कि बैसिलस सेप्टेसिस, और एक होता है बैसिलस वल्गेरिस। कौन कौन से बैसिलस सेप्टेसिस एंड बैसिलस वल्गेरिस होते हैं, अब अपन ने पढ़ लिया कि ये नाइट्रीकरण होते हैं तो उसमें भी जीवाणु अलग होते हैं। केवल में दो होते हैं, एक तो होता है सूडोमोनास, और एक होता है थायोबैसिलस, सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो एक बार पूरा नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, वायुमंडल नाइट्रोजन जो पहले उससे नाइट्रेट नाइट्रेट न रहे, उसका अवशोषण पादप और जंतु कर रहे, उससे मृत कार्बन प्राप्त करना है, और उसके कुछ जीवाणु द्वारा अमोनीकरण से अमोनिया बनना है। कुछ मात्रा में नाइट्रेट वापस एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन प्री-नाइट्रीकरण द्वारा चले जाते हैं। ओके okay?